नमस्ते दोस्तों, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर हमेशा की तरह आज भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है इनक्यूबेटर को कैसे असेंबल करें। इनक्यूबेटर बनाने के लिए जो हमने बॉक्स लिया है उसको हम ऊपर कांच लगा रहे दोस्तों, ताकि अंदर रखे हुए एज हमें आसानी से दिख सके। ये देखिए, हमारी कांच की फिटिंग लगभग हो चुकी है। ये आपको मैं पूरी असेंबली बता रहा हूँ दोस्तों। पिन, वायर, अडाप्टर और ये थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोलर, ये दो होल्डर वायर के साथ, ये फैन पूरी तरह से वायर लगी हुई, ये एलईडी लाइट उसको भी वायर लगा हुआ, ये पैकिंग पट्टी, इसमें क्या है, इस बोल्ट है फैन और लाइट के होल्डर लगाने के लिए बोल्ट, और वो होल्डर के कवर। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसी वायर अडाप्टर को गई, अडाप्टर से यहाँ तक थर्मोस्टेट तक। ये छोटी वायर को एक तरफ फैन लगाया हुआ है और दूसरी छोटी वायर को एलईडी लगी हुई है, और ये थर्मोस्टेट से जो सीधी वायर गई, ये यहाँ पे दो होल्डर है दोस्तों, ये पैकिंग पट्टी, ये डिजिटल थर्मामीटर स्क्रू। आप देख सकते हैं कि हम अभी वो होल्डर पूरा फिट कर रहे हैं दोस्तों। ये दूसरा होल्डर, ये भी लगाने के लिए रेडी हो चुका है। जहाँ पे ये बॉक्स में होल किया हुआ है उसके अपोजिट साइड, यानी इधर होल है तो हमको होल्डर इधर लगाना है दोस्तों लाइट के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये होल्डर पहला, ये हमारा दूसरा भी होल्डर फिट हो चुका है दोस्तों, और ये जो ज़्यादा वायर थी एक्स्ट्रा वो हम वहाँ पे पैकिंग पट्टी से लपेट दे रहे हैं दोस्तों। हमारे दोनों होल्डर लग चुके हैं, अभी हम फैन फिट करेंगे। ये देखिए, ये 12 वोल्ट डीसी फैन, इसको जो साइड से स्टिकर शो हो रहा है दोस्तों वो साइड हमें सामने की तरफ रखनी है, ताकि उसकी हवा, वो लाइट की जो गर्मी है वो फैन सामने फेंक सके। ये देखिए आप, ये हमारा फैन फिट हो चुका है। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये फैन फिट हो चुका है। ये बात ख्याल रखना दोस्तों कि ये साइड हमारे फैन और लाइट है, तो थर्मोस्टेट हमें इस छेद के नीचे लगाना है, ताकि हमारी इधर के साइड से उसका जो सेंसर है वो अंदर हम डाल सके। बॉक्स के अंदर जब लाइट हीट तैयार करेंगे और वो जो फैन है वो उस हीट को इधर पूरे बॉक्स में फैलाएगा, तो इधर से हमारा जो सेंसर है वो उसे डिटेक्ट करेगा। हमने हमारा जो थर्मोस्टेट है वो लगा दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये एलईडी लाइट है, ये आप बॉक्स में कहीं भी लगा सकते हो। जब हमारे 60 वैट के या 100 वैट के बल्ब बंद हो जाते हैं तब बॉक्स के अंदर रोशनी होना है, इसीलिए हम इस 12 वोल्ट एलईडी का यूज़ करते हैं दोस्तों। और ये अडाप्टर, ये भी आप बॉक्स के बाहर कहीं पर भी लगा सकते हैं दोस्तों। और ये जो वायरिंग है इसे आप थर्मोकॉल के बॉक्स के अंदर छिल के दबा सकते हो। हमारा इनक्यूबेटर में असेंबली पूरी तरह से लग चुकी है दोस्तों। हमने डिजिटल थर्मामीटर भी अंदर रख दिया है, ये देखिए उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। अभी मैं आपको बता दूं कि हमें ये जो यहाँ पे एक होल किया है, एक ये होल, और हमने ऊपर की साइड में जहाँ पर हमने कांच लगाया हुआ है वहाँ पे भी एक होल किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये एक होल और ये एक ए होल, हमने इनक्यूबेटर में दो होल किए हुए। ग्लास में से आपको अंदर का नज़ारा पूरा साफ साफ दिखेगा दोस्तों।
हमारा इनक्यूबेटर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। दोस्तों, फैन, लाइट, थर्मोस्टेट, इनकी मजबूती बढ़ाने के लिए आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, ऐसे आप इनकी मजबूती बढ़ा सकते हो। अभी टेम्परेचर अच्छा है करके हमारे लाइट बंद है दोस्तों, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा दोनों लाइट अपने आप चालू हो जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दोनों लाइट चालू हो चुकी है, और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सर जी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।